नमस्ते, मैं निरंजना जोशी और मैं अमिता जोशी, निराश क्विजिन द फूड स्टूडियो में आपका स्वागत है। निराश क्विजिन लॉन्च कर रहा है नया एक कुकिंग शो सेलिब्रिटी गॉरमेट। सेलिब्रिटी बनना आसान नहीं होता है और उसके साथ वो लोग हमेशा तन तोड़ या अथक परिश्रम करके एक माइलस्टोन बनाते हैं, एक मुकाम हासिल करते हैं। उनकी कुकिंग हैबिट, फिटनेस हैबिट एंड फूड हैबिट वो हमेशा एक बोलते कि फॉलो करने जैसी होती है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। आज हम इनवाइट कर रहे हैं ऐशा दादावाला, एक जाना माना नाम है गुजराती साहित्य का। ये बहुत पॉपुलर गुजराती लेखिका है और कवियत्री भी है। गुजरात गवर्नमेंट ने गुजराती लैंग्वेज में उनके प्रदान के लिए गुजरात युवा अवार्ड से नवाजा है और बहुत सारे अवार्ड उनको दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग इनवाइट करते हैं ऐशा दादावाला जी को। आइए ऐशा जी, पधारिए। नमस्ते, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छी फील आ रही है और ये इंग्रेडिएंट्स की जो खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है कि कब पकाए और कब खाए। सो स्वीट। क्योंकि कुकिंग में जो आपका नाम है निरंजना बेन, तो आपके हाथ का खाया है पर आपके साथ कभी पकाया नहीं। तो आज हम लोग पका के भी देखेंगे, उसके बाद खा के देखेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपका जैसे 18 साल से आप जर्नलिज्म के कैरियर में हो, आपको गुजरात गवर्नमेंट ने गुजराती साहित्य की इतनी सारी आपने ये की है, एक उम्दा सर्विस दी है, उसके लिए गुजरात युवा अवार्ड आपको दिया है, राष्ट्रीय साहित्य सभा ने आपको अवार्ड दिया है, और मैंने ऐसे सुना है कि आपने थिएटर में भी बहुत सालों तक काम किया है और बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, और आपकी जो बुक्स आप पब्लिश की है, बुक्स आपकी, उसका तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। तो आप अपनी जो मुख्य 5 बुक्स है वो हमारे ऑडियंस को बता पाओगे? जी, मैंने सबसे पहले लिखी है वर्तारो, के बाद मैंने लिखा जन्मारो, फिर मैंने लिखा क्या गई है छोकरी, नॉवेल, डायरी नॉवेल है, फिर मैंने लिखी ईगो जो पोएम का कलेक्शन है, और एक मेरी काजल ओझा वैद्य और पन्ना नायक, हमारे तीनों की एक ऑडियो बुक है जिसका नाम है त्रण पेढ़ीनी कविता। तो आज हम लोग आपके साथ बना रहेंगे पनीर लज़ानिया। इट्स इटालियन रेसिपी। इटालियन के लिए अगर लज़ानिया बनाना है तो आपको उसकी लज़ानिया शीट चाहिए, मगर हम लोग लज़ानिया शीट को अवॉइड करेंगे और उसकी जगह पे पनीर की स्लाइस का यूज़ करेंगे। तो हम लोग शुरू करें। बिल्कुल, के साथ पहचान बनाते हैं। देखिए, ये हमारा है फ्लेवर्ड पनीर। आपको इसमें रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम दिखाई देगा, तो फ्लेवर्ड पनीर है कैप्सिकम वाला। ये 3 टाइप के जो रेड येलो एंड ग्रीन पेपर है, फाइनली चॉक, चीज़, ऑनियन, पनीर, टमेटोज एंड ऑलिव्स, राइट? जो वो तैयारी है हमने की। तो यहाँ पे हमने ले लिया है क्रीम, दूध, और इसको पेस्टो फ्लेवर देने के लिए मैंने बेसिल का एक पेस्ट बनाया है। पहले हम लोग पनीर जो है स्लाइस, उसको मैरिनेट करेंगे। फ्लेवर्ड ऑलिव ऑयल बनाया है, इसको आपको दोनों साइड से ब्रशिंग करना है। छोकरी ने आवड़े तो छे। इसको हम लोग अवन में बेक करने के लिए रखते हैं 180 डिग्री पे बोथ साइड फॉर 10 मिनट्स। अच्छा ऐशा जी, जैसे आप मधुरिमा में हर मंगलवार को आर्टिकल लिखते हो, समाचार में सैटरडे एंड संडे सुनामी एंड तोहमतनामू, ये तोहमतनामू वर्ड आपको कहाँ से मिला? तो हम तोहमत लगाते हैं, हाँ, कि आरोप लगाते हैं कि आपने, हाँ, ये किया, कि आप इतनी अच्छी कुकिंग कैसे करते हैं? तो ये तोहमत है। न्यूज़पेपर नया चालू किया है अनन्या सिटी, बिल्कुल नया थीम है जी। और आपका जो नाम है अनन्या, वो अनन्य के अंदर ही उसका पूरा मीनिंग आ जाता है कि सबसे अलग, सबसे डिफरेंट और कुछ यूनिक। अभी हम लोग शॉर्टकट सॉस बनाए। बिल्कुल, हाँ चलिए। ओके, ये है हमारा
नॉर्मल जो लो फैट क्रीम आता है वो है वो, इसमें आपको ऐड करना है पहले दूध, क्योंकि क्रीम बहुत ज्यादा नहीं, पूरा दूध, आधा कप दूध डाल देना है। इसको हम लोग फ्लेवर्ड बनाएंगे, तो मैंने बेसिल का एक राइट और इस, आपने अच्छा हुआ पूछा, हमारे ये जो कुकिंग जो नया शो हमारा है जिसका नाम दिया है सेलिब्रिटी गॉरमेट, उसका थीम जो हमारा कुकिंग का मीडियम है वो अर्दन कुकिंग है। मानी हम लोग मिट्टी के बर्तन में या फिर पित्तल या लोहे की कढ़ाई में ही काम करेंगे। अच्छा, ये वाइट जो हमारा कलर है उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए और फ्लेवर देने के लिए मैंने बेसिल का पेस्ट बनाया है, तो मैं बेसिल का पेस्ट ऐड करती हूँ। अभी आप ऐड कीजिए सॉल्ट, उसके बाद आप ऐड कीजिए ऑरिगेनो इटालियन सीजनिंग, गुड, और पेपर पाउडर, राइट, और थोड़ा सा चीज़, उसमें से एक या दो चम्मच चीज़ आप डाल सकते हो। नाइस, कलर अच्छा आया है ना। हाँ। और इसका पेस्टो फ्लेवर भी बहुत अच्छा अभी मैं फील कर रही हूँ। इसमें हमें कुकिंग नहीं करना है, हमें सिर्फ कंबाइन करना है। ओके। मसाले के साथ, सो आप इसमें प्याज ऐड कीजिए, सिर्फ मिक्सिंग ही करना है। प्याज, टमाटर मिक्स, जो थ्री कलर के पेपर है, बेल पेपर, वो दो चम्मच इतना, पनीर बारीक कटा हुआ, कलरफुल इंग्रेडिएंट्स देख के अगर आप कुछ पोएट्री का भी मन करे तो आप पोएट्री सुना सकते हो हमें ये रेसिपी के शान में। और दो चम्मच इतना चीज, स्टफिंग का हो रहा है, हाँ ये फिलिंग का है, ऑलिव्स तो एक चम्मच इतना ऐड कर दो, सारे कलर आ गए। यस, अच्छा अभी इसको सीजन करेंगे हम लोग। अब इसमें सॉल्ट ऐड करो, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, गुड, देन पेपर पाउडर एंड ऑरिगेनो। अभी आप इसको कंबाइन कर दो, इसमें कुछ बस हो गया, ये हमारा फिलिंग तैयार हो गया। और मजे की बात यह है कि आप इसको एज अ सैलड भी खा सकते हो। हाँ भाई, आप इसमें पहले ऑलिव ऑयल से ब्रशिंग कीजिए। तो हम लोग पहले इसमें एक बड़ा चम्मच इतना ये पॉल करें, देखिए बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। और हम लोग अभी इसको लज़ानिया शेप के जैसे यूज करेंगे, तो आप पहले ये एक उठाइए और एक वहाँ पे सेट कीजिए। इसी के ऊपर ना कलरफुल मतलब वाइट पनीर की शीट और उसके ऊपर ये कलरफुल स्टफिंग। अभी इसके ऊपर फिर से आपको पॉर करना है एक चम्मच इतना सॉस, तो बीच में से वो ड्राई नहीं हो जाए। नाइस, और चीज, थोड़ी सी चीज फैलाइए, गुड, इसको कवर कीजिए दूसरी स्लाइस के। ट्रिपल डेकर जैसा बन, हाँ ये हमेशा 3 slices या 5 slices से बनता है, आप कितना हाइट मैनेज करना चाहते हो अकॉर्डिंगली आप हाइट मैनेज कर सकते हो। ये पूरा वन मील जैसा हो गया। अच्छा, मतलब आप यही खाओ फिर आपको कुछ खाने की और अभी आप ऊपर चीज से टॉप कीजिए, इसके ऊपर हमेशा ऑरिगेनो से टॉपिंग किया जाता है। मतलब खाना जितना अच्छा पके उतना अच्छा दिखना भी चाहिए। एक्जेक्टली, और अभी हम लोग इसको स्लो आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से बबल्स आ रहे हैं, देखिए एकदम अच्छे से खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है।
अभी हम लोग इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे। आप नीरज क्विजीन के बारे में कुछ अगर बोलना चाहे तो बिल्कुल। मतलब निरंजना बेन जोशी जो सूरत में क्योंकि दी सीनियर मोस्ट कुकिंग शेफ है, कुकिंग एक्सपर्ट है, और इतने सालों से मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि जो आप पकाते हो उसमें आपके हाथों का स्वाद भी आता है, तो मुझे लगता है कि निरंजना बेन के हाथ भी इतने प्यारे से हैं कि आपके हाथ का और आपका जो कुकिंग के प्रति आपकी जो पैशन है, आपका जो प्रेम है, वो उसमें मिक्स हो जाता है। और इतनी अलग अलग सी रेसिपी आपसे मैंने जानी है। ऐशा जी का रिश्ता बहुत पुराना है, सिटी भास्कर के ज़माने से है, और जब भी मैंने उनको फ़ोन किया है कभी भी उन्होंने मुझे एटीट्यूड नहीं दिखाई, क्योंकि उनकी अपनी एक पहचान है, एक माइलस्टोन है। मगर एक बात है कि जिन लोगों ने एक अपना मुकाम हासिल कर दिया है वो लोग हमेशा नम्र रहते हैं, कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं। तो ये हमारा सर्विंग रेडी है, खुशबू बहुत अच्छे से आ रही है, ये दिखता भी कितना अच्छा है, वो ऊपर से चीज मेल्ट हो गया है। और जनरली नॉन ये अवन में रखते हैं तो अवन के बर्तन से कट करके सर्व करते हैं। हमने थोड़ा सा मीडियम चेंज किया है तो मैं इसमें से निकाल के यहाँ पे असेंबल करके फिर आपको सर्विंग दिखाऊंगी। बहुत अच्छा दिख रहा है, एकदम परफेक्ट है। आप इतने अच्छे से सज सवर के आए हो, तैयार हो गए, तो इसको भी आप थोड़ा सा सजा लो। बिल्कुल। तो चलिए आप मुझे, मैं यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि हमारा गैस गर्म है, तो आप इसमें से थोड़े से लेके उससे सजा दो इसके ऊपर। हाँ, थोड़ा सा लग मैंने कलर अच्छा लगेगा। यस, देखिए इतना ही रखा, और ये है एक बेसिन का पत्ता, उसको ऐसे लगा दो। तो जितने तैयार होके आपने जैसे आपने अपने आप को तैयार किया है उतने ही अच्छे से आपने इसको तैयार किया। तो ये रेसिपी हमारी ओर से आपको गिफ्ट है। और गिफ्ट का मतलब ये नहीं है, गिफ्ट ऐसे है कि आपको आज या कल ये घर जाके बनानी है, मुझे फोटो क्लिक करके भेजनी है, और अगर आप चाहो तो मुझे भेज भी सकते हो। खाने पे बुलाऊंगी, आप खाने पे आएंगे और मैं यही डिश बना के आपको खिलाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। तो अभी आपके भाई को खिलाइए, और अगर वो मैगी मांग रहा है तो आपको सर्व करना है। बिल्कुल, आपको सर्व करना आती रहूंगी और अच्छा खाना बनाते रहिए। आती भी रहूंगी,